किसी ने कहीं से कुछ सामान खरीदा तो उसको पेमेंट करी तो वो एक ट्रांजेक्शन हुआ तो उसकी डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट में कंटेन रहती है उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट तो so, इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक फर्स्ट वन इज कैश मेमो सो व्हाट इज कैश मेमो व्हेन यू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अ शॉप देन अ शॉपकीपर गिव्स यू अ डॉक्यूमेंट विच इज़ लाइक रिसिप्ट सो इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट योर ट्रांजेक्शन मीन्स ऑफ वॉट प्राइज यू वॉट द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग एल्स सो इट इज कैश मेमो सेकेंड वन इज इन वॉइस सो वैन यू बाय प्रोडक्ट इन क्रेडिट मतलब अगर आपने प्रोडक्ट उधारी में खरीदा तो वो आपको इन वॉइस या बिल देता है कौन शॉपकीपर थर्ड वन इज चेक सो चेक इज बेसिकली विच ऑर्डर्स द बैंक टू गीव अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू एनी पर्सन हु ब्रॉड दैट चेक सो चेक इज दैट थिंग एंड रिसिप्ट सो रिसिप्ट इज समथिंग दैट कि मुझे पैसा मिल गया है मतलब अगर आपको पैसा चेक में मिला है या कैश में मिला है रिसिप्ट आप तब देते हैं इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको काय में पैसा मिला है बस रिसिप्ट यू होती है कि हाँ मेरे को पैसा मिल चुका है तो हम उसको रिसिप्ट देते हैं नाउ पे इन बिल्स सो पे इन बिल्स मतलब हम कभी जैसे बैंक में जाते हैं पैसे जमा करवाने के लिए तो हमें वो एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए पैसा जमा करने से पहले तो उसी फॉर्म को पे इन बिल्स बोलते हैं नाउ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट सो डेबिट नोट कब यूज़ होता है जब हमने कुछ परचेस किया है और उसको रिटर्न करे तब डेबिट नोट बना के हम सामने वाले पर्सन को देते हैं और क्रेडिट नोट हम तब बनाते हैं जब हमने किसी को कुछ सामान बेचा हो और उन्हें हमारा प्रोडक्ट वापस कर दिया मतलब सेल्स रिटर्न हुई है तब हम उसको एक नोट बना के देते जिसको बोलते हैं हम क्रेडिट नोट